गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई एम अंशिका और आज की वीडियो में हम बनाने वाले होम मेड नैनो टेप। में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस वीडियो को बनाने के लिए। और आपको पता है आप सबके भर भर के बहुत सारे कमेंट आ रहे कि दीदी आप नैनो टेप ट्राई करिए। सो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। गाइस आप सब इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ना जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी अमेजिंग मज़ेदार वीडियोज के लिए। फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने आप सबके लिए बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार देना। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर देते। सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे क्लियर ग्लू, वो डालने के बाद हम इसमें बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में एक्टिवेटर मिलाएंगे। आप सब कमेंट कर दो कि दीदी हम इसमें एक्टिवेटर मिलाते हैं, हमारा स्लाइम बनता ही नहीं है, और आप सबका स्लाइम कैसे बनाता, तो इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड देखना। आपको पता यहाँ पे मैंने गलती क्या की थी, इसमें मैंने वाटर नहीं ऐड किया था इसलिए हमारा ये स्लाइम ऐसा ना। तो चलिए अब दूसरी बार बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हमें देखिए पहले से ही वाटर डाल दिया है, वो डालने के बाद इसमें हमने बहुत सारा भर भर के ग्लू डाला है। अभी आप सब पूछे कि दीदी आपकी वाटर की और ये जो ग्लू की क्वांटिटी कितनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ग्लू की क्वांटिटी 2:2 है तो वाटर की जो क्वांटिटी होगी ना वो 1:2 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें हमें देखिए एक्टिवेटर ऐड किया, मैंने बहुत ही थोड़ा सा एक्टिवेटर ऐड किया और यहाँ पे इसको आपको फटाफट एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और हमने इसमें एक्टिवेटर लिया, इसको फटाफट मिक्स करेंगे और हमारा ये बहुत ही अच्छा स्लाइम रेडी हो चुके। अभी आप बोलोगे इसमें ग्रीन कलर कैसे आ चुके, जब मैंने स्टिक पकड़ा ना उसमें ग्रीन कलर मैंने एक्चुअली इसमें वो किया था इसलिए इसमें ग्रीन कलर आ गया। सेकंड स्टेप में हमें लेना है प्लास्टिक शीट, जिसमें कलरफुल पेपर आता है ना आप उसकी प्लास्टिक शीट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको लंबे लंबे में कट करने के बाद जो हमने स्लाइम बनाया था ना इसमें पूरा स्प्रेड करना है। क्यूटीज आप सब यहाँ तक देख रहे हो तो आपको वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। क्या आप सबने वीडियो को अभी तक लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया है? फ्रेंड्स नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार बनने वाली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमने जो स्लाइम इसमें डाला था ना उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा स्प्रेड करना है। मैंने यूट्यूब पर ना ऐसे ही सर्च किया था कि हम होममेड नैनो टेप कैसे बना सकते हैं और मैंने देखा कि कितने सारे वीडियोस अपलोड किया और उसी में से एक वीडियो को ना करोड़ों में व्यूज मिले और आप सबने उस वीडियो को कितना सारा प्यार दिया है। और आपको पता है 7.8 या फिर 9 लाख लाइक थे। मैं देख के एकदम शक हुआ कि हमारा सच में नैनो टेप बनता है या फिर नहीं बनता, तो मैंने भी इसी खोज में इसको स्टार्ट कर दिया, देखती हमारा ये नैनो टेप बनता है या फिर कैसा बनता है। मैं तो आप सबको इसमें पूरा रियलिटी बताने वाली हूँ। सो यहाँ पे देखिए दूसरे साइड हमने इसमें बहुत सारा जो ग्लू होता है ना क्लियर वाला ग्लू, इसमें हमने बहुत सारा मिलाया और पूरा अच्छे से स्प्रेड किया। वो करने के बाद ये देखिए अभी हम इसके ऊपर इसको उल्टा करके रख देंगे और ये हमारा बन चुका है होम मेड नैनो टेप। तो चलिए अब इसको ट्राई करते, पर उसके पहले हमें एक रोलर लेना जिसमें हम इसको रोल कर सके। तो आप चाहे तो जो पेपर का रोल होता है या फिर ढक्कन होता है ना आप उसका भी यूज कर सकते हो, तो इसमें गोल गोल रोल कर देंगे। सो फ्रेंड्स हमारा नैनो टेप रेडी हो चुका है जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार करते हो, फाइनली वो वक्त आ चुका है। अभी हम ट्राई करने वाले हैं नैनो टेप। तो वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार देना, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ऊपर जाए। तो यहाँ पे देखिए सीजर की हेल्प से हमने नैनो टेप को कट कर लिया और आपको पता बहुत ही इजीली और बहुत ही कमाल का मतलब बहुत ही इजीली कट हो चुका है। कट होने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रॉ लिया, आपको पता है मैं भूल ही गई थी कि इसके ऊपर का ना वो रिमूव करना है, मुझे बाद में आता है। तो ये देखिए कितना इजीली जो हमने लगाया था ना वो क्लियर ग्लू वो भी से बिल्कुल नहीं लगा है, बहुत ही इजीली रिमूव हो चुका है। तो अभी हम इसमें रखेंगे स्ट्रॉ और चारों मतलब जो तीनों साइड है ना इसको अच्छे से लॉक कर देंगे, नीचे के साइड से भी लॉक कर देंगे, नीचे जो प्लास्टिक शीट रखी है उसको हटा देंगे। तो चलिए अब इसमें हवा भरते। तो ये देखिए हमारा नैनो टेप कितना ज्यादा कमाल का बना है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि हमारा नैनो टेप इतना ज्यादा अच्छा बन सकता है। आप सब वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। आपको पता है ये नैनो टेप मैंने कैसे बनाया, इस नैनो टेप को मैंने रियल नैनो टेप जो होता है ना मैंने उससे बनाया। तो अभी देखिए मैं इसमें स्ट्रॉ रखूंगी और साइड साइड जो प्लास्टिक है उस निकालने के बाद इसको पूरा अच्छे से स्टिक कर देंगे और हमारा नैनो टेप बहुत ज्यादा अच्छा बना है। हमने होम मेड नैनो टेप बनाया था उसकी हालत कैसी मैं भी सबको दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने इसमें हवा भरा ना वो पूरा एकदम अजीब सा हो गया, जो नीचे से जो हमने स्टिक किया था वो पूरा निकल गया और मैंने बाद में इसको रिमूव करके देखा। फ्रेंड्स एक बार आप खुद सोचिए जो हम होममेड स्लाइम बनाते हैं उसका नैनो टेप कैसे बन सकता है। जो यूट्यूब पर जो लोग वीडियोज बनाते हैं ना वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को उनको तो लाखों रुपये मिल जाते हैं पर आप सबको जो समय है जो मटेरियल है जो चीज़ें हैं ना वो सब खराब हो जाती है। सो मैं आप सबको बोलूँगी फ्रेंड्स इसको बिल्कुल भी ट्राई मत करना, मेरा इसमें बहुत सारे
भारी नुकसान हुआ है। और मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी जो लोगों ने नैनो टेप बनाए हैं, और एंड में आपको पता है वो लोगों ने क्या स्टिक किया, जैसा मैंने आप सबको दिखाया नैनो टेप वैसा आपको वैसा किया है। तो वैसे लोगों के मेरे पास तो सिर्फ कुछ नहीं है, मैं उनको यही दे सकती हूँ कि वो लोग बेवकूफ मत बनाओ। जो हमारी ऑडियंस होती है वो हमारी एक फैमिली जैसा होती है, तो उन्हें एकदम रियलिटी सब सच सच बता दो। और हमने जो ये नैनो टेप बनाया था ना, इससे बहुत सारा हमारा नुकसान गया। आपने देखा कि मैंने दो दो बार इसमें स्लाइम बना के डाला, बहुत सारा नुकसान गया। और रियल नैनो टेप और जो डुप्लीकेट नैनो टेप बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो मेरा उन सब के लिए बस यही मैसेज है कि आप सब जो कुछ भी बनाते हैं वो रियल बनाइए, और इन सब जो लोगों को जो हम बेवकूफ बनाते हैं वो बिल्कुल भी मत करिए। लोगों का टाइम वेस्ट होता है, लोगों का जो मटेरियल होता है ना वो वेस्ट होता है, और लोग जो हम पे ट्रस्ट करते हैं कि वो भी टाइम वेस्ट होता है। तो सब बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं वो हमारी एक फैमिली जैसा होते हैं।